बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे। बैठक में चमक विहीन गेहूं की खरीदी को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही धान खरीदी, धान मिलिंग और उसके स्टॉक को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। इसके साथ ही बैठक में प्रमुख रूप से मूंग उपार्जन को लेकर भी चर्चा हुई। ये बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई थी। इस बैठक के सहारे किसानों को होने वाली तमाम असुविधाओं पर भी चर्चा करके जल्द ही उनके निराकरण की बात की गई। भारत सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रारंभ कर रही है और इस मिशन के माध्यम से हमारी कोशिश है कि किसान के साथ जो कार्यकलाप सरकारों के द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो फसल कटाई का मामला हो, चाहे बुआई का मामला हो, चाहे वो फसल बीमा के मुआवजा देने के मामला हो, चाहे उसकी पूंजी की रकबा नामांतरण बाकी सब चीजें, ये पूरी तरह पारदर्शी हो जाए इसलिए मिशन मोड पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसके मामले में मध्य प्रदेश के सभी अधिकारीगणों से चर्चा हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इस दिशा में मध्य प्रदेश बहुत तेजी के साथ काम करेगा और मध्य प्रदेश को वो मॉडल राज्य बनाएंगे जिससे कि वो पूरे देश के काम आ सके। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि अधोसंरचना के विकास के लिए 1,00,000 करोड़ देने का फैसला किया। मध्य प्रदेश ने उसका बेहतर उपयोग किया है। लगभग 1,000 करोड़ रुपए के अलग अलग काम, कोल्ड स्टोरेज की चैन हो, वेयर हाउस हो, अलग अलग अनेकों काम के लिए स्वीकृत हुए हैं और जिसमें 600 करोड़ रुपए से ज्यादा विमुक्त भी हो गए और अलग अलग कृषि के क्षेत्र में ये अधोसंरचना बनाने का काम हो रहा है जिसका प्रदेश के किसानों को बहुत लाभ होगा। आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का ग्वालियर स्टॉपेज